आर्टिफिशियल वूम, जिसे एक्सो वूम भी कहा जाता है, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी और नियोनेटल केयर में एक ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट है। करंटली इस फील्ड में सबसे सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करने पर फोकस्ड है जो मानव शरीर के बाहर प्रीमेच्योर बेबीज के डेवलपमेंट को सपोर्ट कर सकें। इन आर्टिफिशियल वूम का उद्देश्य नेचुरल वूम की कंडीशंस को यथासंभव सटीक रूप से रेप्लिकेट करना है। फ्यूचर में आर्टिफिशियल वूम्स इनफर्टाइल कपल्स को बेबी कंसीव करने और अपनी संतानों के रियल बायोलॉजिकल पेरेंट्स बनने का अवसर प्रदान करेगा। ये उन महिलाओं के लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन है जिनका यूटेरस कैंसर या अन्य कॉम्प्लिकेशंस के कारण सर्जिकली हटा दिया गया है। आर्टिफिशियल वूम्स के साथ प्रीमेच्योर बर्थ्स, सी सेक्शन, मिसकैरेज और लो स्पर्म काउंट अतीत की बात हो जाएगी, और ये कुछ सीवियर पॉपुलेशन डिक्लाइन से पीड़ित देशों को उभरने में भी मदद करेगा। इस वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि हम आर्टिफिशियल वूम के पीछे की कॉन्सेप्ट का पता लगाएंगे और जानेंगे कि यह हमारे भविष्य को कैसे आकार दे सकता है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इन्फोसिस चैनल में। माँ के गर्भ में प्रत्येक ह्यूमन फीटस को पूरी तरह से डेवलप होने के लिए लगभग 37 सप्ताह की आवश्यकता होती है और फिर जन्म होता है। लेकिन हर बच्चे के पास ये बायोलॉजिकल लग्जरी नहीं होती। दरअसल हर साल लगभग 15 मिलियन फीटसेस समय से पहले पैदा हो जाते हैं और उनमें से लगभग 1 मिलियन की मृत्यु बर्थ कॉम्प्लिकेशंस के कारण हो जाती है। गर्भ में एक डेवलपिंग फीटस को रहने के लिए न्यूनतम 24 सप्ताह की आवश्यकता होती है। यदि फीटस का जन्म उससे पहले हुआ है तो सर्वाइवल रेट्स कम हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर फीटस सर्वाइव कर जाती है तो उसे लंग इश्यूज और लॉन्ग टर्म न्यूरोलॉजिकल डैमेज का अनुभव होने की संभावना है। ऑल्दो बेबी इंक्यूबेटर्स जीवित रहने की संभावना बढ़ाते हैं, लेकिन उनकी लिमिटेशंस है। यदि फीटस 22 सप्ताह से पहले पैदा हुआ है तो इंक्यूबेटर के काम करने की संभावना नहीं है। आर्टिफिशियल वूम बेबी इंक्यूबेटर्स का एक एडवांस्ड वर्जन है और ये प्रीमेच्योर बर्थ्स की समस्या को खत्म करने का वादा करता है। इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, आर्टिफिशियल वूम में शामिल है ग्रोथ चेंबर जो फीटस को रखता है। ये माँ के यूटेरस द्वारा प्रोवाइडेड सेम एनवायरनमेंट को रिप्लिकेट करता है। ये एक इंक्यूबेशन चेंबर है जो फीटस के ग्रोथ के लिए ऑप्टिमल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करता है। एक और कंटेनर है जो फीटस को जन्म के क्षण तक ऑक्सीजन से भरपूर कॉन्स्टेंट ब्लड स्ट्रीम प्रोवाइड करता है। आर्टिफिशियल वूम्ब एमनियोटिक फ्लूइड से भरा होता है जो कि वह तरल पदार्थ है जो माँ के गर्भाशय के अंदर फीटस को घेरे रहता है। ये लिक्विड उन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स से भरपूर है जो गर्भ में अनबॉर्न फीटस को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ग्रोथ चेंबर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एडवांस्ड सेंसर्स भी हैं। ये सेंसर डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान फीटस के वाइटल साइंस को मॉनिटर करते हैं, जिसमें ब्रीदिंग और हार्ट बीट शामिल है। आर्टिफिशियल वूम में एक स्क्रीन भी होती है जो फीटस के डेवलपमेंट प्रोग्रेस पर रियल टाइम डेटा डिस्प्ले करती है। इस ग्रोथ पॉड के अंदर फीटस को 9 महीने तक रखा जाता है जब तक कि डेवलपमेंट का पूरा कोर्स ना हो जाए। आर्टिफिशियल वूम एक्चुअली नया नहीं है। आर्टिफिशियल वूम का इतिहास 1950s की शुरुआत का है। आर्टिफिशियल वूम के पहले डिजाइन का पेटेंट इमानुएल ग्रीनबर्ग ने 1955 में कराया था। उन्होंने प्रीमेच्योर बेबीज को उनके जन्म के बाद भी डेवलपमेंट जारी रखने में मदद करने की आशा से इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था। उस समय बेबी इंक्यूबेटर्स पहले से ही मौजूद थे, इसलिए कोई भी वास्तव में आर्टिफिशियल वूम के प्रोटोटाइप के डेवलपमेंट के लिए आगे नहीं बढ़ा। 1990s में टोक्यो यूनिवर्सिटी के मेडिकल डिपार्टमेंट के रिसर्चर्स ने यह देखने के लिए आर्टिफिशियल वूम का परीक्षण किया कि क्या ये वास्तव में काम करता है। उन्होंने सिजेरियन सेक्शन द्वारा एक बकरी का फीटस उसकी माँ से निकाला, फिर उन्होंने उसे आर्टिफिशियल एमनियोटिक फ्लूइड से भरी रबर वूम में रख दिया और 17 दिन बाद उस छोटे शिशु का प्रसव हुआ। 2017 में फिलाडेल्फिया के चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के वैज्ञानिक आर्टिफिशियल वूम के एक प्रिमिटिव डिजाइन को यूज करने में कामयाब रहे, जहां उन्होंने प्रीमेच्योर लैम्प फीटस रखा। लैम्प फीटस को 4 सप्ताह तक आर्टिफिशियल वूम में रखने के बाद उसका वूल कोट बढ़ने लगा, उसका वजन बढ़ने लगा और उसने अपनी आंखें भी खोली। फ्यूचर को देखते हुए ग्रोथ पॉट्स बच्चे को इन्फेक्शन फ्री एनवायरनमेंट में डेवलप होने में मदद करेगा। पॉट्स ऐसी मटेरियल से बने होते हैं जो जर्म्स को उनकी सतह पर चिपकने से रोकते हैं। प्रत्येक ग्रोथ पॉड में सेंसर होते हैं जो बच्चे की हार्ट बीट, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग रेट और ऑक्सीजन सेचुरेशन सहित वाइटल सिग्नल्स की निगरानी कर सकते हैं।
एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम बच्चे की फिजिकल फीचर पर भी नजर रखती है और किसी भी पोटेंशियल जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज को रिपोर्ट करती है। पॉड एक स्क्रीन से लैस है जो बच्चे की डेवलपमेंटल प्रोग्रेस पर रियल टाइम डेटा डिस्प्ले करता है, जिसे ट्रैकिंग के लिए सीधे अपने फोन पर भेजा जा सकता है। ऐप बच्चे के डेवलपमेंट का एक हाई रेजोल्यूशन लाइव व्यू प्रोवाइड करता है, साथ ही प्रियजनों के साथ शेयर करने के लिए टाइम लैप्स फीचर भी प्रोवाइड करता है। ग्रोथ पॉड्स में इंटरनल स्पीकर्स होते हैं जो बच्चे को एक वाइड रेंज ऑफ वर्ड्स और म्यूजिक सुनाते हैं, जिससे आप प्लेलिस्ट चुन सकते हैं। माँ सीधे अपने बच्चे के लिए गा सकती है और जन्म से पहले उन्हें अपनी आवाज से परिचित करा सकती है। पेरेंट और बच्चे के बीच बॉन्डिंग एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए ग्रोथ पॉड के अंदर एक 360 डिग्री कैमरा लगाया गया है, जो माता पिता को वर्चुअल रियलिटी में बच्चे के पर्सपेक्टिव को एक्सप्लोर करने में मदद करता है। ग्रोथ पॉड से जुड़े वायरलेस हैप्टिक सूट का यूज करके माँ गर्भ में उनकी लातों को महसूस कर सकती है और इस अनुभव को दूसरों के साथ शेयर कर सकती है। शिशु को उसके ग्रोथ में सहायता के लिए बेस्ट न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। पॉड दो सेंट्रल बायोरिएक्टर से जुड़ा है, एक में आर्टिफिशियल अम्बिलिकल कॉर्ड के माध्यम से आपूर्ति किए जाने वाले पोषक तत्व और ऑक्सीजन होते हैं और दूसरे को वेस्ट प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। सिस्टम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जिसके माध्यम से प्रत्येक बच्चे को उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप कस्टम न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं। दूसरा बायोरिएक्टर वेस्ट प्रोडक्ट को यूजफुल न्यूट्रिएंट्स में रिसाइकल करता है, जिससे स्टेडी और सस्टेनेबल सप्लाई सुनिश्चित होती है। भले ही आर्टिफिशियल वूम का प्राइमरी गोल प्रीमेच्योर बेबीज को सस्टेन करना है, एक्चुअल में इसका यूज एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए किया जा सकता है। किसी इंसान को एक स्क्रैच से इंजीनियरिंग करके हम बीमारियों को काफी हद तक रेजिस्ट करने और अधिक इंटेलिजेंस और बेटर लुक्स पाने के लिए खुद को रीडिजाइन कर सकते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का यूज मोस्ट वायबल और जेनेटिकली सुपीरियर एम्ब्रियो बनाने और चुनने के लिए किया जा सकता है, जिससे बच्चे को बायोलॉजिकल हर्डल्स के बिना डेवलप होने का मौका मिलता है। वे क्रिस्पर Cas9 जीन एडिटिंग टूल को यूज करके आर्टिफिशियल वूम में इम्प्लांट करने से पहले एम्ब्रियो को जेनेटिकली इंजीनियर करेंगे। आर्टिफिशियल वूम प्रसव के लिए एक सेफ पेन फ्री अल्टरनेटिव है, जिसमें डिलीवरी प्रोसेस केवल बटन के पुश से कंट्रोल होती है। एक और दिलचस्प संभावना स्पेस एक्सप्लोरेशन में आर्टिफिशियल वूम का उपयोग है। जैसे जैसे मानवता लॉन्ग टर्म स्पेस मिशंस और अन्य ग्रहों के कॉलोनाइजेशन की ओर देखती है, स्पेस एनवायरनमेंट्स में सुरक्षित रूप से संतान पैदा करने की क्षमता महत्वपूर्ण हो जाती है। आर्टिफिशियल वूम्स स्पेस में मानव प्रजनन के लिए एक वायबल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है, जहां अर्थ के ग्रेविटी की एब्सेंस और अन्य एनवायरमेंटल फैक्टर्स ट्रेडिशनल प्रेगनेंसी को चैलेंजिंग बनाते हैं। तो दोस्तों, आर्टिफिशियल वूम के कॉन्सेप्ट के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।